पांच बार विधायक रह चुका माफिया मुख्तार अंसारी पर कई मामले दर्ज हैं और जेल में बंद है। 28 मार्च को बांदा जेल में तबियत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। हार्ट स्ट्रोक की शिकायत पर मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब मौत के बाद पैतृक आवास के बाहर चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इस वक्त किले बंदी कर दी गई है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर कस्बे में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। मुख्तार को शनिवार यानी 30 मार्च को मोहम्मदाबाद यूसुफपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा। मुख्तार के सुपर्दे खाक को लेकर पूरे गाजीपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले की जबरदस्त तरीके से किलेबंदी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुख्तार को जिस कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा वो अंसारी परिवार के आवास से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित है। इस कब्रिस्तान में मुख्तार के माता पिता की भी कब्र है। बताया जा रहा है मुख्तार के पिता की कब्र के पास ही सुपर्दे खाक किया जाएगा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और एसीएस होम दीपक कुमार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गाजीपुर की कानून व्यवस्था को लेकर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया मुख्यमंत्री को डीजीपी और एसीएस होम ने गाजीपुर और वाराणसी मंडल की सुरक्षा को लेकर टेलीफोन के जरिए हर जरूरी जानकारी दी है। यूसुफपुर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां पर वाराणसी जिला मंडल के सभी जिलों से सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। गाजीपुर के डीएम शुक्रवार सुबह से ही मोहम्मदाबाद में मौजूद हैं। इसके साथ ही जिले के सभी अधिकारी सुबह से ही मुख्तार के घर पर मौजूद हैं। मुख्तार के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर स्थित पैतृक निवास मुख्य बाजार में ही स्थित है। मुख्तार की मौत के बाद दुकानें और बाजार बंद हो गए हैं। माना जा रहा है सुपर्दे खाक किए जाने के बाद दुकानें फिर से खुल सकती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी के कहने से नहीं बल्कि सहानुभूति के चलते बाजार बंद है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद किसी तरह की अनहोनी रोकने के लिए प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की है। 25 डिप्टी एसपी, 15 एडिशनल एसपी, 300 सब इंस्पेक्टर, 150 इंस्पेक्टर और 10 से ज्यादा आईपीएस रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है। गाजीपुर में सुरक्षा के लिए 25 एसडीएम, डीजीपी जोन, आईजी, डीआईजी, डीएम और सीईओ की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा पीएससी की टीम, 10 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स सारी सुरक्षा के लिए जुटाई गई हैं। वहीं गाजीपुर के चप्पा चप्पर में उत्तर प्रदेश की फोर्स तैनात है। 5000 से ज्यादा जवान और होमगार्ड की तैनाती की गई है। मऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चौतरफा पुलिस बल को तैनात किया गया है। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रह चुका है। एक अधिकारी ने बताया मऊ, गाजीपुर, बलिया समेत आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस अधिकारी फिलहाल मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में लगातार गश्त कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।